इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। एक तरफ कोरोना वायरस की खबरों का दौर जारी है तो बेलगाम शहर में एक नया शगुफा कॉरपोरेशन इंतखाबात का कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से छोड़ा जा रहा है। तकरीबन 7 साल का अरसा गुजरता जा रहा है और अभी तक कोई हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेशन चुनाव की हिदायत हासिल नहीं हुई है, पर अचानक कॉरपोरेशन इंतखाबात को लेकर सरगर्मियों को जारी करने की कोशिश क्या हकीकी है या इसके पीछे सिर्फ एक तरह की सियासी साजिश है, यह भी देखा जा रहा है कि कुछ ख्वाहिशमंद हजरात फलां पार्टी से टिकट हासिल होने की अफवाह भी फैलाते नजर आ रहे हैं। कौन सी पार्टी, कहाँ की पार्टी, कौन टिकट दे रहा है, ये अब तक कोई मालूम नहीं, जबकि अभी तक वार्ड रचना यानी वार्ड की सही तरतीब को ही मुकम्मल नहीं किया गया, रिजर्वेशन का कोई पता नहीं है। हासिल इत्तला के मुताबिक जुनूबी बेलगाम के MLA ने पार्टी के नाम पर ही कॉरपोरेशन इलेक्शन यानी बल्दिया इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला लिया गया। आवाम में यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब किसी तरह की कोई हिदायत हुकूमत की तरफ से हासिल ही नहीं है, ना आने पर भी महापालिका चुनाव लड़ने की यानी कि कॉरपोरेशन इंतखाबात लड़ने की बात अचानक कहां से उठ खड़ी हुई है। बेलगाम में समिति की अच्छी खासी पकड़ है तो भाजपा कांग्रेस का इसमें क्या किरदार रहेगा? अगर पार्टी के नाम से पार्टियां मुल्क सतह पर जो मसाइल होते हैं इनकी बुनियाद पर लड़ जाते, पर वही वार्ड यानी गली मोहल्ले के रोजमर्रा के मसाइल, खासकर पानी बिजली सड़क पर चुनाव लड़ते हैं और जीते जाते हैं। क्या सियासी पार्टियों का इस कदर गली मोहल्ले तक पहुंचना सही होगा या नहीं, इस पर कुछ साबिक कॉरपोरेटर समाज खिदमतगार की राय जानने की कोशिश हमने की है। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा ये कहना है कि अभी जो 7 बरस का जो परेड हो चुका है, जहाँ तक के काम तो बहुत अच्छा हो गया बेलगाम सिटी में। हर एक कॉरपोरेटर्स जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे अपने अपने वार्ड में अपने तरीके से काम किए हैं। जो मौजूद पिछले साल के जो पास्ट MLAs थे उन्होंने बहुत साथ दिया है। अभी फ्यूचर MLAs भी जो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जो भी हो चुका है और डायरेक्शंस जो गवर्नमेंट को दिए गए हैं उस पर अभी इलेक्शंस डिक्लेयर नहीं है। जहाँ तक के पार्टी का सवाल है, अभी तक कोई एक्सपोज नहीं हो चुका है कि कौन पार्टी से, कौन सी पार्टी कंटेस्ट कर रही है और कौन किस पार्टी से बिठाया जाएगा। और ऐसा नहीं है, अब तक जो भी कॉरपोरेटर्स तैयारी कर रहे हैं, जो मौजूदा है, जो आने वाले हैं, सोशल वर्कर्स हैं, इंडिपेंडेंट तौर पर अपने अपने तैयारी कर रहे हैं। पार्टी का अभी तक कोई भी एक्सपोज नहीं हुआ है। देखो, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, मैं बहुत छोटा हूँ पॉलिटिक्स में। साउथ के जो हमारे MLA साहब जो पार्टी से इलेक्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर एक वार्ड में पार्टी के 4 या 5 सोशल वर्कर रहते हैं जो अच्छी तरह से काम करते हैं, जो अपने अपने तरीके से टच में रहते हैं MLA के साथ, पार्टी के साथ। अब पार्टी को ये डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा कि प्रेजेंट कॉरपोरेटर को टिकट दे या सोशल वर्कर को दे। इसलिए बेलगाम, जहाँ तक बेलगाम का हाल है और प्रेजेंट जो मेरे तक मुझे जो मालूम है, ये नामुमकिन बात है, नामुमकिन बात है। यहाँ पर जो इलेक्शन होगा इंडिपेंडेंट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी पार्टी है MES, जो अपने तौर पर मेजॉरिटी में जो कॉरपोरेटर्स उनके जो जीत के आते हैं वो MES के हैं। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जो है कन्नड़ और उर्दू ग्रुप का जो मिलकर होता है, इस मुद्दे पर यहाँ पर इलेक्शन होता है। पार्टी के हिसाब से तो अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ। अगर इस बार हो रहा है तो एक पार्टी का होगा तो बाकी पार्टी वाले भी अपने अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे। बस इतना कहना था। देखिए, हमारे को पार्टी से कोई किसी से लेना देना नहीं है। जो भी होता है, हम जो भी इंसानियत के लिए, कोई हिंदू मुसलमान हमारे पे भेदभाव कुछ नहीं है। जो भी होता है, जितना भी होता है, हमारे को हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, या हमें जो भी है 22 बरस हम लोग ये काम को अंजाम दिए हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते हुए पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। ये पार्टी से अगर लड़ा जाता है इंतखाबात तो वो पार्टी का हम लोग बांधते हैं। हम अभी पार्टी का फिलहाल हम कोई सोचते नहीं है। मुझे अगर पार्टी का इंतखाब अगर हम तो आया है तो अच्छा करने के लिए, अगर कैंडिडेट चुन रहे हैं तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमको अभी तक क्या मालूम नहीं, पार्टी से मिल रहे टिकट कर को अभी तक हमको सुनने को नहीं आए। हम क्या बोलते हैं, मैं पर्सनली अभी तक हम 58 कॉरपोरेटर है इधर बेलगाम में, मराठा कनाडा ऐसा कुछ भी नहीं। हम मिलजुल के हम काम कर रहे, डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के वास्ते हम लड़ रहे इधर।
पूरा बेलगाम सिटी अभी हमारा नसीब से एक स्मार्ट सिटी हमारा आईएस है। ये अच्छा सिटी बना के हम एक चंडीगढ़ को भी जाके आए, ऐसा थोड़ा इतना तो नहीं तो थोड़ा तो हम स्मार्ट सिटी बन सकते सब मिल के जुल के करके। हम मैं बताती हूँ क्यों बोले तो ये पार्टी का मेरे को पता नहीं, हम इंडिविजुअल से अभी तक आईएस है और काम कौन करते उनको वोट डालते लोग, कौन डेवलपमेंट करते उनको साथ रहते कभी भी। अब 40-50 साल हुआ इंडिविजुअल से चुन के आए हम सब लोग, पहले भी चुन के आए अभी भी चुन के आ रहे सब। ऐसा क्या नहीं है अभी बीजेपी कांग्रेस जेडीएस इधर हम मतभेद करें नहीं, हाँ अभी तक मतभेद करें नहीं, सब जुल के काम करते जुल के मिल के सभी मीटिंग करके हम डेवलपमेंट के वास्ते लड़ते इधर, और इधर पार्टी के वास्ते हमको पता नहीं आगे क्या होते देखेंगे। ये जो है पार्टी वाइज अभी 84 से अभी तक तो पार्टी वाइज इधर इलेक्शन नहीं हुआ, ये लोकल काउंसिल बॉडी जो रहती है अगर पार्टी वाइज अगर लड़ाया जाएगा तो वार्ड का डेवलपमेंट में ब्रेक होगा, क्योंकि पार्टी वाइज जात पात पे जाता है जो भी डेवलपमेंट जो रहता है। अगर लोकल बॉडी इंडिपेंडेंट अगर कॉरपोरेटर चुन के आता है तो वार्ड का डेवलपमेंट, और वार्ड के लोग ये निर्भर करते हैं अपने कॉरपोरेटर के ऊपर क्लीननेस और रोड लाइट गटर और वो सुविधा अच्छी तरह उनका कॉरपोरेटर दे सके अपने होटल्स को, ये उम्मीद रखकर अपने कॉरपोरेटर को चुनकर कॉरपोरेशन भेज दिए जाते हैं। क्योंकि अगर पार्टी वाइज लड़ा जाएगा वो कैंडिडेट कैसा होगा वो देखा नहीं जाएगा, वो पार्टी के ऊपर चुन के भेजेंगे तो वार्ड का डेवलपमेंट होना मुश्किल है। क्योंकि इसी तरह 84 से कॉरपोरेशन वजूद में आई, दो काउंसिल होने के बाद में तीसरे काउंसिल को बहुत गैप चला, क्योंकि कर्नाटक महाराष्ट्र के बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बेलगाम का डेवलपमेंट नहीं होता था, इधर फंड आना मुश्किल था, कॉरपोरेशन के टैक्स लाइसेंस वो पैसे पे उतना डेवलप होता था। फिर 96 में फर्स्ट टाइम मैंने इलेक्ट हुआ तो कॉरपोरेशन की हालत देखी, जिस दिन भी मेयर इलेक्शन फर्स्ट टाइम होता था तो कर्नाटक महाराष्ट्र का इतनी आवाज़ गूंजी जाती थी काउंसिल हॉल के अंदर और झगड़ा कंटिन्यू चालू होता था, इसके बारे में इसका गलत फ़ायदा उठाते थे ऑफिसर्स, हमारे को लड़ाते थे ये कर्नाटक महाराष्ट्र केस में और ऑफिसर अपना काम करके चले जाते थे। फिर हमने सोचा, बड़े बड़े लीडरों से मिला, ये हमारे संभाजी पाटिल है, शिवाजी सोंडकर है, ये जितने भी समिति के जो लीडर्स थे और कन्नड़ लीडर्स थे और हमारे उर्दू भी लीडर्स थे, उनको मिलकर हमने एक तरतीब बनाई। क्योंकि बेलगाम का अगर डेवलपमेंट करना है सर्वभाषिक समीचार आघाड़ी, सब कम्युनिटी को लेकर हम डेवलपमेंट का काम करेंगे सर्वभाषिक समीचार आघाड़ी बोल के। जिस दिन से सब सर्वभाषिक समीचार आघाड़ी बनाने के बाद कॉरपोरेशन का ये कर्नाटक महाराष्ट्र का झगड़ा ही खत्म हो गया, फिर कन्नड़ उर्दू मराठी SC ST ये सब मिलकर डेवलपमेंट के पीछे लगे तो हर वार्ड का डेवलपमेंट होने लगा। इसी तरह अभी अगर पार्टी वाइज लड़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के नाम पे अगर वोट लेंगे तो कॉरपोरेटर काम सही तरीके से नहीं निभाएगा, मेरा एक अंदाज़ा है। इंडिपेंडेंट अगर लड़ना शायद अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। सुनने में आ रहा है कि आप क्या इसमें फिर से आप कंटेस्ट करना चाहेंगे, क्या है? अगर आवाम की चॉइस होंगे तो आवाम के तरफ मैं छोड़ता हूँ, मेरा तो ऐसा कुछ ये नहीं है, अगर आवाम चाहती रहेंगे तो इंशाल्लाह।